एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिंग मेट्स। आई नो आप लोग ने मुझे बहुत मिस किया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे व्हाई आई एम नॉट मेकिंग एनी न्यू व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो मुंबई में लॉकडाउन है, नॉट ओनली मुंबई, बहुत सारे प्लेसेस में लॉकडाउन है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट एंड शूट बिकॉज देर इज़ नो स्ट्रीट हॉकर्स जो है एंड हाइजीन प्रॉब्लम एंड यू नो इट्स नॉट सेफ। सो वो ध्यान रखते वक्त मैंने एक नया आइडिया सोचा है पूरे मंथ अप्रैल में एंड मे में आई हैव थॉट टू प्रमोट लोकल बिजनेसेस, होममेड बिजनेसेस, स्पेशली वो लोग जो होम डिलीवरीज करते हैं, बहुत टेस्टी यमी सा खाना बनाते हैं, तो मैं वो ऑर्डर करूँगी एंड वो ऑर्डर करके मैं वो वाला फूड रिव्यू करूँगी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है फॉर दिस मंथ विल बी कि टू प्रमोट होम फूड बिजनेसेस बिकॉज वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है एंड रेट वाइज भी बहुत ही, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव बट इट्स अफोर्डेबल एंड यू कैन ट्रस्ट द होम फूड बिजनेसेस एंड आई डेफिनेटली वी वॉन्ट देम टू ग्रो एज वेल। सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर? रमज़ान का महीना चल रहा है यार, अगर मैंने इफ्तार बॉक्स से स्टार्ट नहीं किया तो क्या ही किया। सो फ्रेंड्स, दीज आर माई टू इफ्तार बॉक्स, वन इज़ फ्रॉम दिल्ली कसास्टिन एंड यू कैन सी यम्मी यम्मी फूड्स ओवर यम एंड आप जानते हो रमज़ान के महीने में डेट से रोज़ा खोला जाता है एंड विथ द फ्रूट्स। सो फ्रूट्स इसीलिए बिकॉज पूरा दिन आप रोज़ा रखते हो एंड फ्रूट्स आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। इनफैक्ट मुझे बस एक क्वेरी है, आई डोंट नो ये दिल्ली कसास्टिन में मुझे तीन चीज़ नहीं मिला, मुझे वाटर बॉटल नहीं मिला, मुझे चिकन शंघाई नहीं मिला एंड मुझे एक और चिकन का आइटम नहीं मिला। सो आई एम वेरी फ्रिटर्स नहीं मिला मुझे। सो तीन चीज़ मुझे नहीं मिला विच आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बट टेस्ट वाइज हम देखेंगे कैसा है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट इफ्तार बॉक्स। सेकेंड इफ्तार बॉक्स इज़ फ्रॉम फातिमा केटर्स। सो बेसिकली फातिमी केटर्स एंड यहाँ पे अगेन यू गेट अ वराइटीज़ ऑफ साइड डिशेज टू चूज़ फ्रॉम। सो दिस इज़ मटन समोसा, चिकन वॉन्टॉन, देन देर इज़ चिकन स्टिक ओवर हियर, दिस इज़ चीज़ चिकन रोल, चिकन रशियन सैलेड एंड चिकन ग्रीन कटलेट एंड मुझे प्यास तो लगेगी तो उसके लिए मैंने लिया है एक नींबू, यू नो लेमन एंड समर का मंथ है तो डेफिनेटली बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी डिग इन टू दिस। So I'll start from this. Definitely I'll start with dates. So friends, basically dates के बहुत varieties होते हैं, so this is a very good date. फिर it's very chewable and मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। Quality wise this is a very good date. इसमें बहुत सारा quality आता है, मुझे अजवा quality बहुत ज़्यादा पसंद है, it's very good for health. Then फ्रूट्स में इन्होंने दिया है वाटरमेलन, बनाना एंड मस्क मेलन। फ्रूट इज़ गुड, फ्रेश है, अभी रिसेंटली कट किया हुआ है तो इट्स नाइस। स्टार्टिंग विथ चिकन लॉलीपॉप, मैं सेजन सॉस नहीं डालूंगी बिकॉज मुझे सेजन सॉस इतना पसंद नहीं है, सो आई जस्ट ट्राई। इट्स नाइस, दिस इज वर्थ इट, आई लाइक इट। 499 में इतना क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड। सो आई एम स्टार्टिंग विथ चिकन क्रिस्पी नाउ। आई डोंट नो इन्होंने फोक क्यों नहीं दिया और सिर्फ दो स्पून दिया है। इट्स नाइस, चिकन काफ़ी मॉइस्ट है, इट्स वेरी टेंडर, तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखो इट्स इजीली ब्रेकेबल एंड ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मॉइस्ट है। नॉर्मली हम जैसे चिकन क्रिस्पी बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ये वैसा नहीं है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है एंड इट्स एक्चुअली होम मेड, यू कैन फील इट, इट्स वेरी नाइस। आई नाउ स्टार्ट विथ अनदर साइड डिश, दैट इज चिकन सोयाबीन। I don't know this, I'll be having for the first time. This is basically tossed in soya sauce and because वो soya sauce में toss किया हुआ है तो soya का flavor काफ़ी taste बहुत ही high amount में आ रहा है। I can feel like sour taste, though chicken crispy was bit sweet and this is bit sour, दोनों spicy नहीं था। दिस इज़ चिकन चिली, तो आप देख सकते हो ये ग्रेवी फॉर्म में है टू हैव विद द फ्राइड राइस। इसमें कैप्सिकम है, चिकन के काफ़ी पीसेस है, सो मैं इसको डायरेक्टली फ्राइड राइस के साथ ही खाऊंगी पहले।
डिडंट लाइक चिकन चिल्ली दो, मुझे पता नहीं इसका ग्रेवी बहुत थिक लग रहा है, जिसे आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। आई थिंक इसमें कॉर्नस्टार्च ज़्यादा डालने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी इज़ नॉट दैट गुड। आई जस्ट टेस्ट द फ्राइड राइस ओनली नाउ। फ्राइड राइस इज़ गुड, आई लाइक इट। सो फ्रेंड्स, नाउ कम्स माई फेवरेट साइड डिश। सो मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स रह चुके हैं, मैंने उनके साथ बहुत रमज़ान मनाया है, बहुत इफ्तारी हमने साथ में किए हैं। मुझे चिकन थ्रेड बहुत पसंद है, सो डेफिनेटली आई एम क्रेविंग फॉर दिस। दिस इज़ वेरी क्रिस्पी। सो जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये जो ये फ्राई किया जाता है, सो देर इज़ बेसिकली अ चिकन का स्टीक ओवर हियर एंड उसको फ्राई करते हैं विद नूडल्स, विद द फ्राइड नूडल्स, एंड दिस टेस्ट वेरी क्रिस्पी, वेरी नाइस। मैंने ये लेट स्टार्ट किया तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, अदरवाइज ये गर्म होता था तो खाने में बहुत मज़ा आता था। सो येस, दैट वॉज ऑल अबाउट माई इफ्तार बॉक्स फ्रॉम डेली कसास्टियन। सिंस आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग, मुझे तीन चीज़ नहीं मिली थी इसमें, चिकन शंघाई, फ्रिटर्स, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज मुझे वो चीज़ें, पानी की बॉटल भी नहीं मिली थी इसके साथ में। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज 499 में इफ दोस थ्री आइटम्स आर मिसिंग, या यू फील बैड, राइट? सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये ट्राई किया है, अभी इनका प्रमोशन भी चल रहा था टू टैग देम एंड यू विल गेट अ फ्री बॉक्स, सो दे आर वेरी गुड इन सोशल मीडिया, बट बुकिंग में थोड़ा सा इशू आता है, बट टेस्ट वाइज इट वॉज नॉट दैट बैड। आई वुड गिव द रेटिंग्स 4 out of 10। नाउ कम्स अनदर होम बॉक्स फ्रॉम फातिमा केटर्स। सो इसमें फ्रेंड्स एक आइटम है मटन का, बाकी सब आइटम है चिकन का। तो ये मैं आपको मेन्यू में आपको डाल दूंगी, उनका इंस्टा पेज भी सबका मैं डाल दूंगी। ओह, ये थोड़ा सा हार्ड है। ओह वाह, द फिलिंग इज़ वेरी जेनरस। सो आप देख सकते हो फिलिंग काफ़ी अच्छी है इसमें। मुझे बहुत सारा अच्छा अंदर ग्रीन ऑनियन, कोरिएंडर, मटन के अच्छे पीसेस, कीमा बहुत अच्छे से कटिंग किया हुआ है। फिलिंग इज़ गुड। आई कैन हैव जिंजर गार्लिक का टेस्ट एज वेल, दिस इज़ वेरी नाइस। जो मटन मिंस्ड हुआ है बहुत अच्छे से, मटन कीमा को अच्छे से टॉस किया हुआ है इन ऑल द वेजीज, एंड दिस टेस्ट डिलीशियस, आई लाइक इट, एक्चुअली लाइक इट। नाउ वी स्टार्ट विद चिकन वॉन्टॉन। सो दिस इज़ चिकन वॉन्टॉन, अंदर चिकन की स्टफिंग्स होगी, तो हम देखते हैं कितनी है। वाओ, सो एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा है रेड कलर। आई कैन सी अगेन वेरी स्मॉल स्मॉल कीमा पीसेस ऑफ चिकन, वो मटन था, ये चिकन है। सो विल आई हैव माई फर्स्ट बाइट। ये थोड़ा सॉल्टी है, बट आई थिंक बिकॉज इसमें सेजवान सॉस यूज़ किया हुआ है, सो इसमें वो सेजवान का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट इट्स नाइस, स्टिल इट्स गुड। आई एम नॉट दैट फैन ऑफ चिकन वॉन्टॉन, बट आई लाइक इट। माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट डिश ऑफ रमज़ान इज चिकन स्टीक। आई रियली लव चिकन स्टीक। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, शिवरी, वड़ाला, बहुत सारे रहते थे, तो ये मैं उनसे डेफिनेटली मंगाती थी। चिकन स्टिक मेरा बहुत फेवरेट है। सो बेसिकली ये चिकन की पीसेस है एंड बीच में कैप्सिकम्स होता है यहाँ पे। यार मन करता मैं सिर्फ यही खाते जाओ। दिस इज़ वेरी नाइस, आई लव द फ्लेवर। इसको बहुत अच्छे से मैगनेट किया है, एंड आई थिंक ये चिकन को काफ़ी टाइम से मैगनेट करना है, तो उसका पूरा फ्लेवर बहुत अंदर चिकन तक गया। इट्स वेरी जूसी। द मोमेंट आई टुक माई फर्स्ट बाइट, आई कुड फील दैट जूसीनेस कमिंग आउट ऑफ द चिकन, विच मेक्स इट डिलीशियस। इट्स वेरी यम्मी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी यम्मी। आई कुड सी सम चीज़ ओवर हियर, सो दिस इज चिकन चीज़ रोल। हम इसको भी तोड़ के देखते हैं। ओह वाओ, दिस चीज़ इनसाइड दिस, दैट्स नाइस। चीज़, यार वाह, किसको चीज़ नहीं पसंद है।
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका फेवरेट साइड डिश कौन सा है रमज़ान में। फ्रेंड्स दिस इज़ स्वीट एंड मुझे एक बात बताना था आपको, दोनों डिशेस में, दोनों फ्राइड आइटम्स में वो जो ऑयल का फ्लेवर था ना, जब हम नॉर्मली स्ट्रीट फूड से खाते हैं तो थोड़ा ऑयल का हमको एक पंचेंट फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, वो नहीं आया था। सो बेसिकली वो लो क्वालिटी ऑयल वी फील नॉर्मली दे यूज़ लो क्वालिटी ऑयल, बट दिस ऑयल बिकॉज दिस इज़ होम मेड बिजनेस, दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ऑयल। दोनों में मुझे ऑयल का वो पंचेंट फ्लेवर या वो स्मेल नहीं आया ऑयल का, बिकॉज दोनों बहुत अच्छे हैं एंड आप देख सकते हो इतना ग्रीसीनेस भी नहीं है। सो इट्स गुड, नॉट आई वुड से नॉट हेल्दी, बट हाइजीन वाइज अच्छा है। अदर पार्ट दैट इज चिकन रशिंग कटलेट, ओ वाओ, आप देख रहे हो ये थ्रेड टाइप, वाओ कटलेट किसका फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चीज़ रोल एंड कटलेट्स, रशियन कटलेट्स आर वेरी स्वीट, उतना स्वीट नहीं बट आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। आई थिंक मेरी कैमरा फ्रेंड के मुंह में पहले से पानी आ गया है बिकॉज दिस इज़ दैट यम्मी एंड शी जस्ट रेज्ड हर हैंड, यस ये मेरा फेवरेट है। सो नाउ कम्स लास्ट पार्ट दैट इज़ ग्रीन कटलेट चिकन। ग्रीन इसलिए है बिकॉज आई थिंक इसमें लॉट्स ऑफ कोरिएंडर हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर। स्टफिंग बहुत अच्छा, आई मस्ट से बहुत अच्छा, दिल खोल के चिकन डाला है, बहुत अच्छे से स्टफिंग किया हुआ है। इसमें कोरिएंडर, मिंट, बेसिकली पुदीने एंड कोरिएंडर काफ़ी यूज़ किया, यू कैन फील दैट फ्लेवर, इट्स वेरी नाइस गाइस। आई हैड दिस ग्रीन चिकन कटलेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लेट मी टेल यू इट्स वेरी वेरी टेस्टी। सिर्फ मुझे ये बॉक्स से एक ही प्रॉब्लम था, वो ये था कि सेजवान सॉस नहीं था यहाँ पे या कुछ ग्रीन चटनी नहीं दिया था। आई थिंक इसके साथ में अगर चटनी मिलता था तो ये सारा डिशेस इंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आता था। एंड इसमें तो मैंने आपको बता दिया, आउट ऑफ बोथ माई इफ्तार बॉक्सेस आई लाइक्ड डेफिनेटली द होम केटर वन, दैट इज़ फातिमा केटर्स। आपको जब भी ऑर्डर करना होगा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फ्रेंड्स ये दोनों टाउन साइड के प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली मोहम्मद अली रोड एंड भिंडी बाज़ार के। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जिनका कल्याण एंड मीरा रोड में भी है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कौन से एरिया में से हो और आपको अगर ये ऑर्डर करना है तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। मैंने इतना खा लिया एंड डेफिनेटली नींबू पानी तो बनता है। अमेजिंग इवनिंग हैविंग इफ्तार डिशेज ओवर हियर, आई लव्ड इट। मुझे और बहुत सारे आइटम्स मंगाना था बट बिकॉज डिलीवरी इशू की वजह से मैं और आइटम्स नहीं ट्राई कर पाई। एंड द लास्ट थिंग टू से इज़ माई बर्थडे इज़ ऑन 20th मे एंड फ्रेंड्स 21st मे को मेरा बर्थडे ब्लॉग आने वाला है। आप सबके विशेज डेफिनेटली आई नो मुझे इंस्टाग्राम पर मिल ही जाएंगे। आप मुझे अपना वीडियो सेंड करना, मुझे ग्रीटिंग्स आप भेजोगे तो डेफिनेटली वो भी आई ट्राई, अगर मैं वो आपका वीडियो क्लिप शॉर्ट क्लिप मैं मेरे ब्लॉग में डाल सकती हूँ तो अगर आप भेज दोगे तो मैं ट्राई करूँगी मेरे ब्लॉग में डालने के लिए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मंचिंग मेट्स। सी यू एट द नेक्स्ट फूड आइटम्स, बाय।